ये जो छोटा सा डालिया में कितना भारी मात्रा में फ्रूट लगा हुआ है। देखिए इधर भी फ्रूट सब तोड़ लिया है, बहुत सारा फ्रूट इसमें था, सब तोड़ लिया है। ओके, आप लोग देख लीजिए। हेलो किसान साथियों, निशत नशे की तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए लाखों लाखों किसान भाइयों को स्वागत है। आज हम दिखाएंगे हमारा गुआवा का मदर प्लांट है, जिसमें काफ़ी सारा वैरायटी लगा हुआ है, उसका फ्रूट क्वालिटी कैसा है। डिटेल में शेयर करेंगे। सभी वैरायटी अवेलेबल है, जैसे ताइवान पिंग है, वीएनआर भी है, L35 है, L49 भी है, L37 भी है, ठीक है। सभी वैरायटी इधर मौजूद है। आप लोगों को एक एक फ्रूट तोड़ के कटिंग करके उसका टेस्ट कैसे है आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो हमारा सामने ये जो देख रहे हैं, ये ताइवान पिंग गुआवा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसमें इतना छोटा सा पेड़ में 8 महीने हुआ है लगभग इस पेड़ को मारे, ठीक है। इस छोटा सा पेड़ में कितना फ्रूट आया है, देखिए कितना मैच्योर वाला गैलेजी वाला फ्रूट आया है। आप लोग देख लीजिए, इधर देखिए ये जो छोटा सा डालिया में कितना भारी मात्रा में फ्रूट लगा हुआ है। देखिए इधर भी फ्रूट सब तोड़ लिया है, बहुत सारा फ्रूट इसमें था, सब तोड़ लिया है। ओके, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छे एक वैरायटी है ताइवान पिंग, जो कमर्शियल फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छे वैरायटी होता है। इसका इसमें जो खासियत है, पूरा साल में फ्रूट देते रहता है, ठीक है। और इसका फ्रूट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, और इसका जो फ्रूट होता है इसका अंदर जो रेड कलर का होता है। ओके, और एक वैरायटी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और चलिए एक फ्रूट अभी इधर से कटिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो फ्रूट मैच्योर वाला फ्रूट है तोड़ लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वाला तोड़ लेता हूँ, कितना अच्छा फ्रूट वाला, देखिए एक तोड़ लिया, फिर कटिंग करके दिखाऊंगा इतना फ्रूट का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। अरे ताइवान पिंग जो गुआवा होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी वाला फ्रूट होता है, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा है। देखिए देखिए कितना अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के फ्रूट आया है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छे है। एक एक फ्रूट का 400 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अरे फ्रूट दिखाता हुआ आप लोगों को, इधर आइए, इस साइड में आइए, दिखाता हूँ। इधर जो है ये सब बेर का पेड़ लगा दिया हमने, ठीक है। इधर देखिए ये है L49 गुआबा का पेड़ है, ठीक है। ये आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें कितना क्वांटिटी फ्रूट लगा हुआ है भारी मात्रा में। आप लोग इसमें कभी फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, थीके? आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा हेल्दी फ्रूट आया है, इसमें खाने में बहुत ही टेस्टी टेस्टी होता है। और इसमें देखिए उसमें ए वी L49 उसमें साल भर फ्रूट देता रहता है। और इसमें जो फ्रूट आया है, देखिए इसमें फ्रूट मैच्योर हो गए, फिर उसके बाद इस कितना कलिया आया है आप लोग देख लीजिए, पूरा 12 महीने तक फ्रूट देते रहता है। देखिए कितना कलिया आया है, इधर देखिए इधर मैच्योर वाला फ्रूट है, मैच्योर वाला फ्रूट है, इधर फिर भी कलिया आया, ठीक है। अभी आप लोगों को सामने जो दिखा रहा हूँ इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एक वैरायटी गुआवा का अंदर जो है वीएनआर, ठीक है। ये देखिए एक फ्रूट था पक्ष ने खा लिया, ठीक है, एक खराब हो गया खा लिया, और इधर हम लोग बैगिंग करके रख दिया। इसका फ्रूट का क्वालिटी
कैसा आया है ये आप लोग को देखा था वो आप लोग देख लीजिए कितना आया, छोटा पेड़ में कितना बड़ा बड़ा फ्रूट बनता है आप लोग देख लीजिए। ये है विहेनर गुआवा, फ्रूट का क्वालिटी क्लार गेटअप देखिए कितना बढ़िया फ्रूट है, छोटा सा डालिया में देख लीजिए तोड़ के लेके आया, देखिए ये है भीनर, दोनों का लगभग 1 किलो से 1200 ग्राम तक वेट होगा, देखिए हाथ पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है देखिए इधर, देखिए इधर आइए, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट आया है इधर, जो ये जो दिखा रहा हूँ ये थाई सेवन गुआवा का, देखिए इसमें कितना भारी मात्रा में फ्रूट आया है, देखिए इसमें फ्रूट के बाद डालिया टूट गया, कितना अच्छा क्वालिटी का फ्रूट है, पेड़ की उम्र ज़्यादा नहीं है, ठीक है हमारा ये मदर प्लांट है, ठीक है हम लोग आप लोगों को सामने सब दिखा रहा हूँ। इधर देखिए इधर फ्रूट है, इधर फ्रूट तोड़ लिया फिर भी नया नया फ्रूट का कलिया आया है, थाई सेवन का पेड़ है आप लोग पत्ता देख के पहचान सकते हो, ठीक है। अरे इधर देखिए इधर कितना भारी मात्रा में फ्रूट आया है आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कंडीशन वाला फ्रूट आया है, देखिए कितना अंगूर की तरह फ्रूट आया है, सभी पेड़ घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ। ओके इधर आइए, इधर जो ये जो दिखा रहा हूँ ये गोल्डन एट गुआवा का पेड़ है आप लोग देख लीजिए, इसमें फ्रूट का क्वालिटी जो शाइनिंग होता है बहुत ही अच्छा कंडीशन वाला फ्रूट बनता है, तो गोल्डन एट गुआवा। इधर आइए ये है ताइवान पिंक गुआवा, देखिए इतना छोटा छोटा पेड़ में कितना भारी मात्रा में फ्रूट लगा हुआ है आप लोग देख लीजिए, देखिए पेड़ का उम्र 8 महीने हुआ है, ठीक है आप लोग देख लीजिए, इसमें से हम लोग काफ़ी सारा फ्रूट हार्वेस्ट कर लिया ऑलरेडी, फिर भी कितना भारी मात्रा में फ्रूट आया है देखिए, इधर फ्रूट मैच्योर वाला फ्रूट है, इधर भी कलिया आ रहा है, ठीक है। प्लांट देखा आया था उसमें से हम लोग कुछ फ्रूट हार्वेस्ट करके ले लिया, देखिए ये हमारे हाथ में है, 1 किलो का 1 किलो का बराबर का फ्रूट है, देख लीजिए तो कितना शाइनिंग ग्लेजी वाला है, हम लोग ज़्यादातर बैगिंग नहीं किया, इसमें दाग आया है आप लोग देख लीजिए, और पूरा 1 किलो के ऊपर ही हो जाएगा, ये है वियना भी फ्रूट है, ठीक है आप लोग देख लीजिए, ये साइड में रख दिया है, ये देखिए ये जो आप लोग देख रहे हो ये है, इसका फ्रूट फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ, यह थाई फाइव गुआबा का फ्रूट है आप लोग देख लीजिए, ये जो तीनों फ्रूट आप लोग देख रहे हैं ये थाई फाइव गुआबा है, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। अरे कमर्शियल फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छे वैरायटी है, जैसे बी एन आर भी है थाई फाइव भी है, ये साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अभी जो ये आप लोग को देखा रहा हूँ ये आप लोग देख रहे हैं L49 गुआवा का प्लांट है, फ्रूट है देख लीजिए बहुत ही अच्छा कंडीशन। तो आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हो तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास ये पौधा सभी वैरायटी का पौधा अवेलेबल है, ठीक है बहुत सारे स्टॉक भी हम लोग होलसेल प्लान में ऑल ओवर इंडिया प्लान सप्लाई करता हूँ। सो ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, सो आज का वीडियो यही है, जय हिंद जय किसान।